हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम आंध्र पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये कंपनी के बारे में लाइक ओवरऑल पूरा एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में। सो इसमें लाइक कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉजेस, पीएस कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डिंग पैटर्न, साथ में कंपनी का लास्ट फाइव कंपनी का ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1984 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। कौन सी कंपनी? आंध्र पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी। सो बेसिकली अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स, अगर मेन देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स जो है वो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड दी आंध्र शुगर LTD लिमिटेड जो कंपनी है। सो बेसिकली ये कंपनी के प्रोमोटर्स जो भी बेसिकली जो आंध्र प्रदेश में कंपनीज जो भी हैं, एंड ये कंपनी का अगर हेडक्वार्टर देखें तो आंध्र प्रदेश में ही ये कंपनी का हेडक्वार्टर है। एंड मेन अगर हम कंपनी के स्ट्रक्चर की मेन अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो इसने लाइक कंपनी हैज चेंजेस देयर असिस्टेंट लाइक सेक्टर्स जो भी कंपनी के होते हैं, जो भी लाइक आंध्र शुगर जो LTD जो कंपनी यहाँ पे जो लिमिटेड कंपनी दी गई, उसकी जो भी स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। बेसिकली यहाँ पे देखे अगर कंपनी तो मेन ये कंपनी लाइक केमिकल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करती है। मेन अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अगर आप देखें तो लाइक कंपनी के ऐसे बहुत से कंपनी के प्रोडक्ट्स के नेम भी दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ के वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो लाइक आपने यहाँ पे सुना होगा ऑक्सो अल्कोहल, ये जो मेन केमिकल है ये लाइक विशाखापट्टनम एंड आंध्र प्रदेश एंड इंडिया में ही मेन ये मतलब यहाँ पे लाइक हेडक्वार्टर जहाँ पे वहाँ पे मेन ये कंपनी लाइक ये केमिकल्स लाइक प्रोवाइड करती है सही जगह पे। लाइक ऑक्सो जो अल्कोहल, अगर मेन अगर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ सो ये जो मैं प्रोडक्ट का नेम बता रही हूँ आपको ऑक्सो अल्कोहल, सो मेरी जो प्रोडक्ट्स है ये जो भी पेंट्स होते हैं, पेंट जो भी लाइक आपके जो भी घर में जो पेंट दीवार पर जो भी लाइक किया गया है वो जो पेंट होता है उसमें लाइक ये जो ऑक्सो अल्कोहल है ये मेन उसमें केमिकल यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली अगर ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा भी रहे हैं सो लाइक अभी पेंट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। पेंट का अगर देखें तो वैसे बहुत से ऐसे अलग अलग केमिकल्स भी लाइक उसमें यूज़ किए जाते हैं, उसमें से ये ऑक्सो अल्कोहल जो केमिकल उसमें यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली अगर पेंट की डिमांड अगर हुई सो जिसमें भी ये ऑक्सो अल्कोहल जो भी ये केमिकल यूज़ किया जाता है, सो अगर पेंट की डिमांड बढ़ेगी तो उसमें से ये ऑक्सो जो भी उसका रॉ मटेरियल जो होता है ये भी उसका जो भी है इसकी भी डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब ये कंपनी के रेवेन्यू बढ़ सकता है। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इससे लाइक इजीली आपको समझ आना चाहिए कि अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड कंपनी का रेवेन्यू अगर ग्रोथ होता है सो इजीली आपको इसमें लाइक आप अगर इन्वेस्ट कर किया है, अगर आपने कन्वे जा भी रहे हैं सो आपके साथ में रिटर्न ज़रूर मिलेगा। सो बेसिकली ये क्या था कंपनी का प्रोफाइल। सो अगर नेक्स्ट हम कंपनी के डेटा के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे लाइक मार्केट कैपिटल कंपनी का दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1013 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक पी देखें तो यहाँ पे 4.10 दिया हुआ है जो भी आप देखें। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 36.8%। कंपनी का डेप्ट देखें तो यहाँ पे 82 करोड़ का है। सो कंपनी लाइक मार्केट कैपिटल कंपनी का जो डेप्ट है यहाँ पे देखें तो थोड़ा कम है, अगर देखा जाए तो इतना डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 121 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो बहुत अच्छा दिया है 51.8। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यहाँ पे दिया है 29% दिया है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि अच्छा खासा दिया है, जो कि पॉजिटिव में दिया है, नेगेटिव में नहीं दिया है। एंड कंपनी के पास लाइक वर्किंग कैपिटल अभी कितना अवेलेबल है 301 करोड़ का रुपीज़ अभी अवेलेबल है ये कंपनी के पास। कंपनी का हाई देखे तो 197 तक गया था एंड लो देखे तो 56.7 है। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सो आपको लाइक इजीली आपको लाइक 130 या 135 का आपका फर्स्ट स्टेज जो है आपका फर्स्ट जो टारगेट रहेगा आपको इतना ही रखना है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एंड आपकी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सो लाइक आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। एंड यहाँ पे लाइक डिविडेंड का देखे तो यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड प्लस प्रोवाइड करी कितना 1.24% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको रिटर्न्स में साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। सो अगर आप अच्छा खासा क्वांटिटी ले रहे हो तो आपको रिटर्न्स भी तगड़ा मिलेगा प्लस डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो 10 रुपीज़ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो 45% दिया हुआ है।
प्रॉज एंड कॉजेस की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है जो भी इसके लिए क्वार्टर जो भी रिजल्ट होंगे आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। एंड यहाँ पे कॉजेस की बात करूँ, यहाँ पे कंपनी का जो लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है कितना कम हुआ, 11.12% कम हुआ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे NPS कंपेरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे आंध्र पेट्रोकेमिकल जो लिमिटेड कंपनी वो लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल लाइक कंपेयर टू लाइक अदर्स जो 7th कंपनी, कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है इसलिए इसका लास्ट में आया है वो है। यहाँ पे देखें तो 121.25 रुपीज में कंपनी का शेयर मिल जाएगा। डिविडेंड कितना मिला, 124 का। कंपनी का लाइक नेट प्रॉफिट अगर आप देखें यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक पीएस कंपेरिजन में दिया नेट प्रॉफिट क्वार्टर का लाइक कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का जो प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ कितना 55.13 करोड़ का हुआ है। सेल्स का जो ये का रेवेन्यू का अगर देखे थे यहाँ पे कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी का जो रेवेन्यू कितना 240.90 यहाँ पे लाइक 96 करोड़ का कंपनी को लाइक ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो अगर देखा जाए तो लाइक कंपनी का लाइक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितना 36.78% है जो कि चार दिया हुआ है। एंड कंपेयर में लाइक अदर भी कंपनीज हैं जो लाइक आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्ट कर लाइक सोलर इंडस्ट्री जो 7 रुपीज कंपनी दी गई है इसके भी देखे, बट आप कहाँ पे अगर कंपनी का करंट प्राइस देखें 3000 के अप है। लाइक बाकी के भी अगर कंपनीज का देखे शेयर प्राइस देखे करंट प्राइस देखे तो लाइक बहुत ज़्यादा दिखता 2000-3000 के अप ही है कंपनी का शेयर प्राइस। वही अगर आप आंध्र पेट्रोकेमिकल का देखें तो 121 रुपीज़ में ही है, साथ में कंपनी का लाइक परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा चल रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास उतना कैपिटल है, आपको जल्दी रिटर्न कमाने हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको करना है, तो आपके लिए बाकी की जो 10 कंपनीज उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक कंपेयर लाइक बाकी के भी अगर देखें तो कंपनी बाकी कंपनी इतना डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बट ये जो आंध्र पेट्रोकेमिकल आपको लाइक कंपेयर लाइक अदर्स कंपनी ये डिविडेंड ज़्यादा प्रोवाइड करी है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ आपको देखनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो ये था पीएस कंपेरिजन। नेक्स्ट है क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप सेल्स जो है ये कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर आप मार्च 2019 से अगर आप देखें यहाँ पे लाइक दिसंबर 2021 तक देखें सो कंपनी का बहुत अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होते दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंपनी का ग्रोथ हुआ है। सो लाइक अगर हम बेसिकली का लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट्स देखें 2021 का, सो जून 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था कितना था 244 करोड़ का था, एंड सेप्टेम्बर 2021 में 243 करोड़ का हो गया, एंड दिसंबर 2020 में हो गया 241 करोड़ का। सो बेसिकली देखें लाइक थोड़ा थोड़ा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें। वैसे ही अगर आप कंपनी का लाइक एक्सपेंसेस भी देखें तो यहाँ पे थोड़े थोड़े जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो ये भी देखें तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं अगर लास्ट की 3 क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट यहाँ पे देखें तो। एंड यहाँ पे अगर आप मेन देखें जो ओपीएम परसेंटेज है, अगर यहाँ पे लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट के अगर आप ओपीएम परसेंटेज देखें तो कंपनी के जो ओपीएम परसेंटेज है वो भी कम हुए हैं, जो कि लाइक आप देखते हैं कितना जून का 41% है, सेप्टेम्बर का 42% एंड दिसंबर का 32% है। बेसिकली देखिए तो ओपीएम परसेंटेज भी कम हुआ है कंपेयर टू लाइक अदर्स लाइक जो 2 क्वार्टर जो भी रिजल्ट है कंपनीज के। एंड यहाँ पे लाइक अगर हम लाइक नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, लाइक जो भी प्रॉफिट जो भी होते हैं कंपनीज के कितना हुआ लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट देखें तो जून 2021 में 63 करोड़ का हुआ था, सेप्टेम्बर 2021 में कितना 86 करोड़ का, एंड दिसंबर 2021 में हो गया 55 करोड़ का। लाइक बेसिकली देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, बट कंपनी को लाइक लॉसेस नहीं हुए इतना कि आप लाइक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते। बट यहाँ पे अगर क्वार्टर रिजल्ट अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे लाइक अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं आपको, लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस हुए हैं प्रॉफिट में भी रेवेन्यू में भी प्लस जो भी एक्सपेंसेस ओपीएम परसेंटेज भी देखें तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। सो बेसिकली देखें तो परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर कंपनी का देखें यहाँ पे तो लाइक प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है मार्च 2019 में था 45.05% था, एंड दिसंबर 2021 में होकर 45.04%। सो बेसिकली यहाँ पे देखें तो प्रमोटर्स जो होल्डिंग है लाइक जरा सा भी लाइक चेंजेस लाइक पॉइंटर्स में थोड़ा चेंजेस हुआ है लाइक एक पॉइंटर्स में, बाकी ओवरऑल देखें तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग ओवरऑल सेम ही है।
एफ आई का शेयर होल्डिंग देखिए तो एफ आई का शेयर होल्डिंग मार्च 2019 में था 0.01% था, दिसंबर 2021 में क्या हो गया 0.90% का एफ आई का शेयर होल्डिंग हो गया। डी आई का शेयर होल्डिंग देखिए तो मार्च 2019 में था 0.04% एंड दिसंबर 2021 में होकर 0.02%, लाइक ये भी कम हुआ है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखिए तो मार्च 2019 में था 42.19% एंड दिसंबर 2021 में आके हो गया 54.74%। सो बेसिकली देखें तो कंपनी का जो भी लाइक पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग लाइक पॉइंटर्स पे थोड़ा पे कम हुआ है, बट ओवरऑल देखें तो सारे जो भी लाइक प्रमोटर्स हो गया इन पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग ओवरऑल पूरा सेम ही है। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड मेन अगर देखें तो कंपनी का जो प्रमोटर्स जो भी वो प्लेस पर उन्होंने अपने जो भी स्टेक को नहीं दिया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने अगर अपना जो भी कंपनी का जो शेयर अगर स्टेक पे दिया हो एंड कंपनी का रिटर्न और जो इक्विटी है एंड ROC अगर ये सारी चीज़ें अगर नेगेटिव में दी होती कंपनी का अगर नेगेटिव में दी होती तो आपको मैं इन्वेस्टमेंट करने की नहीं बोलती मैं इसमें, बट कंपनी का लाइक ओवरऑल पूरा परफॉर्मेंस देखे कंपनी के डेटा देखे तो लाइक इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कंपनी का कितनी बेस्ट कंपनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में कंपनी का जो डेप्ट भी देखे तो 83 करोड़ का ही कंपनी लाइक मार्केट कैपिटल देखे तो मार्केट कैपिटल कंपनी का 1000 के अप है अगर देखें यहाँ पे तो। एंड कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लाइक तो यहाँ पे कम हुआ है, बट कंपनी का एक लॉसेस नहीं हुआ है जो कि लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला। सो यहाँ पे अगर आप 2018 की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे देख सकते रेवेन्यू कितना 522.35 करोड़ का हुआ एंड प्लस कंपनी का प्रॉफिट कितना 46.49 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। एंड 2019 का भी देखे तो फिर रेवेन्यू बढ़ा है का प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। एंड 2020 में देखते हैं यहाँ पे लाइक कंपनी का जो भी लाइक अगर यहाँ पे देखे तो कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी इतना नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कम हुआ था ये साल में अगर देखे तो। बट अगर 2021 की बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिला था, साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी। सो लाइक कंपेयर लाइक अदर्स जो भी ईयर्स है 2020 एंड 2021 अगर कंपेयर करिए तीनों ईयर्स से लाइक कंपनी का जो प्रॉफिट है इनसे डबल हुआ अगर आप देखें तो कितना 76.47 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। एंड कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपेयर लाइक अदर्स जो भी ईयर्स कंपनी का रेवेन्यू भले तो बाकी कंपेयर के लिए थोड़ा कम हुआ है, बट कंपनी का लाइक प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हुआ है। सो आपको ये सारी चीज़ देख के मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी लाइक रिस्क इतना नहीं है, अगर रिस्की है भी तो मैं आपको बता देती हूँ कि इतना रिस्की नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज आप कॉडे रिजल्ट भी देखें एंड कंपनी का लाइक फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस भी है। एंड अगर हम कंपनी का लास्ट ईयर का लास्ट फाइव कंपनी का ग्राफ भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लाइक मैंने मार्क किया हुआ है ये 15 जनवरी 2021 का है, तभी के टाइम पे लाइक कंपनी का शेयर प्राइस कितना था 56.45 रुपीज़ था। सो उस टाइम पे भी कंपनी के शेयर जिसने परचेस किए रहेंगे एंड लाइक उसने लाइक अगर उसने लाइक उसने लाइक 4 या 6 मंथ या फिर 7 मंथ जिसने भी होल्ड करके रखा भी रहेगा सो लाइक अभी के टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस 121 रुपीज़ चल रहा है। सो लाइक उसने अच्छा खासा क्वांटिटी अगर लिया रहेगा सो डिविडेंड प्लस कंपनी का प्रॉफिट उसको लाइक जो भी कंपनी का प्रॉफिट का जो भी रिटर्न होता है उसको अच्छा खासा मिला रहेगा। सो बेसिकली अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है, अभी लाइक 121 रुपीज़ पे चल रहा है सो आप कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। एंड जब भी लाइक कंपनी के प्रोडक्ट की अगर डिमांड होगी लाइक जो भी मैंने लाइक मैंने आपको बोला ऑक्सो जो भी अल्कोहल जो भी कंपनी का जो केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है उसकी अगर डिमांड हुई देन अगर कंपनी का डिमांड हो गई तो कंपनी का लाइक रेवेन्यू का जो ग्रोथ है कंपनी का अच्छा खासा होगा एंड का लाइक आपको रिटर्न्स भी एंड प्लस आपको कंपनी का प्रॉफिट आपको मिलेगा। सो बेसिकली ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सो लाइक ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, इसमें से अगर आपको कुछ डाउट होता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड लाइक किसी अदर कंपनी के बारे में भी आपको जानना रहेगा सो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जो भी रहेगा मैं उससे आपको वीडियो बना के दे दूँगी, एनालिसिस करके दे दूँगी जिससे आपको मैं लाइक फिक्स टारगेट प्लस आपको बता दूँगी कि आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना है या नहीं करना है। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो देखा है। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के।